एक विशाल स्मारक बनाने के लिए क्या चाहिए? लाखों टन कंक्रीट, लाखों मैट्रिक टन लोहा, हजारों मैट्रिक टन तांबा और मजबूत इरादा। लेकिन बात जब किसी विशाल प्रतिभा की हो तब प्रतिमा भी उतनी ही विराट होनी चाहिए। बस ऐसा ही कुछ इतिहास है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण के पीछे। जिसके लिए हमें एक सदी पीछे जाना पड़ेगा। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस वक्त एक सफल बैरिस्टर ने गांधी जी से प्रभावित होकर कोट पैंट छोड़ खादी धारण की। उन्होंने भारत को आजाद तो करवाया ही, साथ ही एक भारत का सपना भी साकार किया, और वो थे सत्याग्रह की फौज के सेनापति, वो थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह से अंग्रेजों को झुकाने वाले सरदार पटेल, किसानों के नेता यानी सरदार, जर्जर सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का अभूतपूर्व कदम उठाने वाले भी सरदार, सूखे से परेशान गुजरात की जनता के लिए नर्मदा नदी पर विशाल बांध का पहला सपना देखने वाले भी तो वो ही थे। सरल, साहसिक और सेवक, ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी सूझबूझ के बिना देश एक ना हुआ होता। सरदार साहब ने अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन सालों तक उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक विचार दिया, सरदार साहब को अब तक की सबसे भव्य श्रद्धांजलि देने का विचार। लेकिन इतनी विशाल प्रतिभा के धनी को श्रद्धांजलि कहां, कब और कैसे दी जा सकती है? ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे युगों तक सरदार को दुनिया गर्व से याद रखे, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए, जिसे देख दुनिया दंग रह जाए? ऐसा कुछ करके दिखाना था, और उसी भाव से जन्म हुआ सरदार साहब की भव्याति भव्य और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण के निर्णय का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की एकता के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। लेकिन सवाल यह था कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां होगा, और फाइनली सिलेक्शन हुआ साधुपेट का। अनेकों कारण हैं इस जगह के सिलेक्शन के लिए। पहला तो मां नर्मदा गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा गांव, 150 से ज्यादा शहर और गुजरात के 4 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है। दूसरा ये कि ये बांध सरदार साहब की ही कल्पना थी, और तीसरा गुजरात के इस आदिवासी क्षेत्र का विकास हो सके। 2013 में सरदार पटेल की 138वीं जन्म जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को नरेंद्र भाई ने किया इस स्मारक स्थल का भूमि पूजन। एकता का स्मारक है और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है। और इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू का, जो ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर, रशिया के द मदरलैंड कॉल्स, यूएसए के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जापान के युशिकी दाइबुत्सु
और चाइना के स्प्रिंग टेंपल बुद्धा से भी ऊंचा है ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू। लेकिन नरेंद्र भाई का सपना था कि इस स्मारक से जन जन जुड़े, इसलिए ही 2013 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की रचना की गई और देश भर में संदेश पहुंचाने के लिए शुरू की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट। साथ ही साथ सुराज अभियान में 2 करोड़ लोगों ने सुशासन के विचारों को व्यक्त करते हुए सुराज पेटिशन साइन की, जो बनी 2 करोड़ लोगों के साइन के साथ विश्व की सबसे बड़ी पेटिशन। और लौह पुरुष और किसान पुत्र के स्मारक के लिए लोहा कैंपेन भी शुरू किया गया और देश भर के किसानों को इससे जोड़ा गया और 3 महीने में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों ने दिया 5,000 मेट्रिक टन लोहे के औजार का दान। हजारों टीमों ने देश भर के किसानों के खेत से मिट्टी इकट्ठा की। सरदार साहब के निर्माण दिवस पर 15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया और गुजरात के लाखों लोगों ने सरदार साहब के लिए दौड़ लगाई। आप ही सोचिए, 2,332 करोड़ रुपए की लागत से 58 मीटर के बेस लेवल पर निर्मित की गई 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए कितना सामान और मेहनत लगी होगी। इस विराट स्मारक के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स, प्लानर्स और विशेषज्ञों की श्रेष्ठ टीम का गठन किया गया। यह विराट कार्य सिर्फ 42 महीने की समय अवधि में पूरा किया गया। स्टैच्यू की डिजाइन पर सरदार जैसा ही भाव, एक एक रेखा का भी डिटेल किया गया। सरदार साहब की इस प्रतिमा का प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व जैसा ही होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ उस पर ब्रॉन्ज क्लैडिंग यानी कि कांसे की परत चढ़ाने का तय किया गया, जिससे उसकी भव्यता और भी बढ़े। और ब्रॉन्ज पैनल्स का काम निखारने के लिए बुलाया गया कला के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले आर्टिस्ट राम सुतार को। उनके हाथ जिस मूर्ति को छूते हैं वो मूर्ति जीवंत हो जाती है। ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने संसद परिसर में महात्मा गांधी समेत अनेक प्रतिमाओं के जरिए अपनी कला प्रदर्शित की है। जहां सपना ही इतना विराट हो, वहां साधन सामग्री भी उतनी ही ज्यादा होगी ना। तकरीबन 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन री इन्फोर्समेंट स्टील, 6,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,800 मेट्रिक टन वजन वाला ब्रॉन्ज, और साथ ही निरंतर कार्य करने वाले 250 इंजीनियर्स और 3,700 कारीगरों की मेहनत ने बढ़ाया है इस प्रतिमा की गरिमा को। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और क्वालिटी दोनों मेंटेन हो, इसलिए मोदी जी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री विजय भाई और उप मुख्यमंत्री नितिन भाई से लेकर बड़े स्तर पर भी इसकी समीक्षा समय समय पर होती रही। क्योंकि सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ये गुजरात के गौरव की बात है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक में होगा मेमोरियल एंड विस्टा सेंटर और एक भारत श्रेष्ठ भारत भवन, और इस स्मारक के बेसमेंट में है विशाल म्यूजियम भी। नदी के स्तर से 153 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है एक साथ 200 लोगों की कैपेसिटी वाला ऑब्जर्वेशन डेस्क। वहां पहुंचने के लिए है हाई क्वालिटी एस्केलेटर और 2 हाई स्पीड लिफ्ट्स, जो एक साथ 50 लोगों को 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यानी कि तकरीबन 40 सेकंड में 153 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। अब सोचिए कि विंध्याचल पर्वतमाला, सरदार सरोवर बांध और आसपास की हरियाली और नर्मदा मैया के दर्शन का अनुभव कैसा होगा। और यहां के म्यूजियम में सरदार साहब की जीवनी दिखाते 40,000 दस्तावेज और 2,000 से ज्यादा दुर्लभ तस्वीरें बयां करेंगी सरदार पटेल की जीवन गाथा। साथ ही आदिवासी कला और संस्कृति को दिखाता म्यूजियम और आदिवासी नृत्य के कल्चर शो के द्वारा दुनिया भर के प्रवासियों को मिलेगा गुजरात के आदिवासी कला और संस्कृति का अभूतपूर्व परिचय। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी जैसी तीनों भाषाओं को जानने वाले 100 से ज्यादा गाइड होंगे प्रवासियों के मार्गदर्शन के लिए तैनात। साथ ही फूड स्टॉल, ऑर्नेट गिफ्ट शॉप्स, रिटेल कियोस्क और दूसरी सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक कैनोपीड प्लाजा भी होगा।
साथ ही स्टैच्यू की निगरानी के लिए 5 किलोमीटर तक कोने कोने में होंगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे। और इस स्मारक की खूबसूरती बढ़ा रही है 17 किलोमीटर लंबी वैली ऑफ फ्लावर, जहां हैं 16 प्रकार के वृक्ष, 10 प्रकार के छोटे छोटे पौधे, 9 प्रकार के रंगीन पान वाले पौधे, 7 प्रकार के बोगनवेल, 10 प्रकार के वेल, ऑर्नामेंट घास और बांस सहित 20 लाख वनस्पतियां। साथ ही कमल कुंड, ट्रैकिंग ट्रैक और नेचुरल ट्रैक भी। देखकर ऐसा लगेगा जैसे एक विशाल रंग बिरंगी चादर नर्मदा मैया ने ओढ़ ली हो। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग स्मारक की रौनक को और बढ़ाएगा और इस अनुभव को और यादगार बनाएगी 500 प्रवासियों की क्षमता वाली टेंट सिटी, जहां होंगे 75 लग्जरी, 74 डीलक्स और 100 स्टैंडर्ड टेंट्स। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करेगा ये स्मारक। इस स्मारक का सबसे खास हिस्सा होगा जहां निर्माण होगा हर एक राज्य के अपने गेस्ट हाउस का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से हर रोज 15,000 से ज्यादा टूरिस्ट आने का अनुमान है, इसलिए आसपास के आदिवासी क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा और हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। साथ ही ये क्षेत्र देश के साथ मजबूती से जुड़ेगा और पूरी दुनिया का आकर्षण बनेगी ये प्रतिमा। और सदियों तक सरदार साहब की ख्याति को पूरे विश्व में फैलाती रहेगी और पीढ़ियों तक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर बहती रहेगी। सरदार थे तो भारत एक मजबूत राष्ट्र है, सरदार थे तो देश में सुशासन की नींव रखी गई, जिसका सबूत ये विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक। इस भव्य प्रतिमा को 31 अक्टूबर 2018 को सरदार साहब की जन्म जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया देश को समर्पित। तो आइए मनाते हैं एकता को, हम सब इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। जय हिंद।